नीतीश कुमार अब नई सरकार बनाएंगे और शाम 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा और जाहिर तौर पर सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा डिप्टी सीएम होंगे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है और इस बीच तमाम नेताओं का बयान आना शुरू हो चुका है। भाजपा सांसद सुशील मोदी ने कहा है कि नीतीश कुमार ने इस्तीफा देने का जो निर्णय लिया है उसका स्वागत करते हैं। मालूम था कि आरजेडी जेडीयू का अस्वाभाविक गठबंधन है। भाजपा और जेडीयू मिलकर बिहार में सरकार बनाएंगे। अगले कुछ घंटों में नई सरकार का गठन हो जाएगा। और आपको बता दें कि पिछले 2-3 दिनों में बिहार की राजनीति में अचानक उठापटक हुई और इस अचानक उठापटक के बाद हमने नतीजा ये देखा कि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा सौंपा और इस्तीफा सौंपने के बाद अब नई सरकार की ओर आगे बढ़ गए। और इस इस्तीफे के बाद जाहिर तौर पर बयानबाजी शुरू हो गई है। आपको हमने गिरिराज सिंह का बयान सुनाया, आपको हमने अन्य नेताओं का भी बयान सुनाया। अब जयराम रमेश क्या कह रहे हैं, कांग्रेस नेता, उनका भी बयान सुन लीजिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा दिया है, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार जी एक बड़े अनुभवी राजनीतिक व्यक्ति हैं। कई साल वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, पर वो बार बार अपना राजनीतिक रंग बदलते रहते हैं और राजनीतिक रंग बदलने में वो गिरगिटों का अच्छा मुकाबला देते हैं, वो कड़ी टक्कर देते हैं गिरगिटों का। सीएम नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद एनडी गठबंधन के नेता एक ओर जहां नीतीश कुमार पर हमलावर हैं, तो वहीं दूसरी ओर एनडीए गठबंधन के जो लोग हैं वो नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे हैं, उनके इस फैसले से खुश हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी शिवम कुमार जुड़े हैं पटना से, उनसे बात करते हैं। शिवम, क्या अपडेट मिल रही है? जाहिर तौर पर हमें जिस तरह से पता चल रहा है कि शाम को 5 बजे नीतीश कुमार 9वीं बार फिर से सीएम पद की शपथ लेंगे, और क्या कुछ अपडेट है? जी, मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब से कुछ देर पहले राजभवन जाकर इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफा देने के बाद मुख्यमंत्री आवास पर तमाम जितने भी बीजेपी के विधायक हैं या विधान पार्षद, उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। और बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, वो भी सीएम हाउस पहुंचे थे और सभी लोगों के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से राजभवन गए और राज्यपाल को समर्थन पत्र सौंपा है। और आज शाम 5 बजे तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। जी बिल्कुल, शाम 5 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। और कौन कौन इनके साथ शपथ ले सकता है, कुछ खबरें मिल रही हैं क्या? जी, मैं आपको बता दूं कि जेडीयू कोटे के 3 मंत्री आज शपथ लेंगे। और वही अगर हम बीजेपी कोटे की बात करें तो बीजेपी की जब विधायक दल की बैठक हुई है और इस बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को बीजेपी का नेता, मतलब कि बिहार विधानमंडल का नेता चुना गया है और विजय सिन्हा को उपनेता चुना गया है। तो चर्चाएं हैं कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री पद के लिए वो आज शपथ लेंगे। साथ ही साथ जीतन राम मांझी के बेटे यानी कि संतोष सुमन भी आज मंत्री पद के शपथ लेंगे। जी बिल्कुल, लौटेंगे आपके पास शिवम। हमारे साथ संजय राणा जी जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। संजय जी, अभी तक हमने देखा कि बिहार की राजनीति में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन बीते 2-3 दिनों में अचानक ऐसी उठापटक होती है कि सीएम को इस्तीफा देना पड़ जाता है, क्या संकेत हैं, क्या समझें इससे? अगर इस घटनाक्रम की चर्चा किया, घटनाक्रम बहुत दिन से चल रहा था, वेल एक्सपेक्टेड था कि ऐसा किसी वक्त भी हो सकता है। आपने देखा होगा जो जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब थे, उनके जन शताब्दी पे जब बोला गया, उनके स्टेटमेंट नीतीश कुमार जी के आपने सुने, उसके बाद ही लग गया था कहीं ना कहीं जो खटास है वो खुल के सामने आ रही है। देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि जो राजनीतिक व्यक्ति ना हो, चाहे वो आरजेडी की बात कर रहा हूं, जो उनकी पुत्रियां हैं लालू जी की, उनकी बात कर रहा हूं, उनको किसी भी राजनीतिक चीजों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, कमेंट नहीं देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक तरह से नुकसान हुआ। जहां तक बात करते हैं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, तो ये एक तीर से दो निशाने हुए हैं दोनों तरफ से, चाहे वो
भारतीय जनता पार्टी की बात कर ले चाहे वो जेडीयू की बात कर ले। देखिए जेडीयू ने एक तरह से दूसरा इसलिए किया, कहीं ना कहीं अपनी पार्टी का विघटन होने से रोक लिया और दूसरा जो चीफ मिनिस्टर का पोस्ट था उसको मेंटेन कर लिया। अब हमें भारतीय जनता पार्टी के परस्पेक्टिव से बात करें, देखिए कहीं ना कहीं जो गठबंधन बन रहा था इंडी गठबंधन, उसके सिरमौर कौन थे, उसके जनक कौन थे? उसके जनक तो नीतीश कुमार साहब थे। अब जनक को ही मतलब आपने सिरमौर यानी सर को धड़ से अलग कर दिया गया, यानी आपने इंडी गठबंधन को ही खत्म कर दिया। तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों ने बहुत ही रणनीति के तहत काम किया। देखिए नीतीश कुमार जी हमेशा एक अपनी सूझबूझ के साथ चलते हैं, ऐसा नहीं कि उनको, देखिए राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त एनिमी नहीं होता, वो समय के अनुसार बदलता रहता है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को फ्री हैंड दे रखा था, वो फ्री हैंड इनको शायद अभी नहीं मिल रहा था। तो कहीं ना कहीं सफोकेशन फील कर रहे थे और उनको कहीं लग रहा था कि चीजें उस तरह से नहीं होंगी जैसे होना चाहिए था, नंबर वन। नंबर टू, उनको पार्टी का अपना विघटन होना था। आपने देखा कि किस तरह से अध्यक्ष पद का कुछ दिन पहले अध्यक्ष पद का कार्यभार भी अपना संभाल लिया था चीफ मिनिस्टर रहते हुए, तो वो सब समीकरण दिखा रहा था। अब ये क्या है कि अब इसका समीकरण का राजनीतिक ये भारत के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में क्या पड़ेगा? तो कहीं ना कहीं जो एनडीए है वो कहीं ना कहीं विपक्ष पे हावी होगा, नंबर वन। नंबर टू, कहीं ना कहीं अगर इस तरह की घटनाक्रम घटता है उससे जो मुख्य विपक्षी दल है जिसको मैं कांग्रेस मानता हूं, तो कहीं कांग्रेस के लिए भी एक बहुत बड़ा सेटबैक है। देखिए नीतीश कुमार कोशिश तो बहुत दिन से कर रहे थे लेकिन उनको एक तरह से उपेक्षित किया जा रहा था, उनको उस तरह से सम्मान नहीं मिल रहा था। और आपने देखा होगा कि टीएमसी ममता बनर्जी ने किस तरह से जाके स्टेटमेंट दे दिया, मल्लिकार्जुन खड़गे को कन्वीनर या अध्यक्ष बना दिया गया, वो सब चीजें इनको कहीं ना कहीं खटकी थी, नंबर वन। नंबर टू, अपनी भी राजनीति देखना बहुत जरूरी है कि देखिए जब तक आप सत्ता में रहोगे तभी आप जनता की मदद कर सकते हो, तभी आप कुछ कर सकते हो, सत्ता के बाहर जाने के बाद चांसेस कम हो जाते हैं। और जिस तरह से पार्टी की पिछले 15 साल का समीकरण देखे जेडीयू के, सिकुड़ती चली जा रही है, श्रिंकिंग होती जा रही है, तो कहीं ना कहीं इनके लिए एक तरह से अगर हमसे पूछा नीतीश कुमार की आखिरी पारी, मैं कहूंगा इसको, लेकिन हाँ ये अच्छा मूव था नीतीश कुमार का, ये अच्छा मूव था राजनीतिक सूझबूझ की बात करें तो बिल्कुल अच्छा मूव था भारतीय जनता पार्टी के लिए। इन्होंने कहीं ना कहीं एक तरह से जो समीकरण खराब हो रहे थे बिहार के अंदर, देखिए एक एक समीकरण एक एक सीट इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे एनडीए गठबंधन हो चाहे एनडीए गठबंधन हो, तो दोनों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण था। और भारतीय जनता पार्टी ने स्ट्रेटेजिकल पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है, जिस तरह से मैनेजमेंट किया है, देखिए सारा चीज ठीक रहा अगर बोला जाए तो नीतीश कुमार के सर पे है, लेकिन उसका लाभ कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों को हुआ, कहीं ना कहीं जो कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टी है उनको कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो अगर देखिए मैं तो बार बार ही बोलता हूं विपक्ष का सशक्त विपक्ष का होना जरूरी है, लेकिन विपक्ष क्या विपक्ष की भूमिका निभा रहा था? नहीं। आरजेडी जिस तरह से काम करती है, जिस तरह से उनका काम करने का तरीका, फिर उसी में आ गए थे। तो देखो नीतीश कुमार जी की एक चीज तो मैं मानूंगा, इनको लोग पलटू राम बोले, इनको लोग कुछ भी बोले, लेकिन एक चीज पे तो इनको मैं बधाई देता हूं, इनके ऊपर कोई भी किसी तरह का करप्शन के चार्जेस नहीं है। एक इनकी इमेज बड़ी साफ सुथरी है, चाहे इनकी पार्टी कार्यकर्ता भी, किसी के ऊपर ऐसा कोई दाग नहीं जिसपे आप प्रश्न चिन्ह उठा सके। तो एक चीज ये भी इनके इनको कहीं ना कहीं परेशान कर रही थी जिस तरह से।